के दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है, दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी, गौरी अष्टमी, जिसके घर में शांति ही ना रहती हो, सुख ही नहीं है, क्लेश 24 घंटे बना हुआ है घर में, ना कोई बात ना कोई प्रसंग, उसके बाद भी सबका मुंह फूला हुआ है, उसके बाद भी सबका चेहरा उतरा हुआ है। जिस घर में सुख और शांति ये दोनों चीजें नहीं है, वो निवेदन है लाल वस्त्र में लाल फूल रखकर, उसमें थोड़ा धना, धना जानते हो, खड़ा धना आता है, धना पाउडर नहीं, धना, हरा धना, और 5 गोल सुपारी, जो गोल सुपारी होती है पूजन वाली सुपारी, 5 पूजन वाली सुपारी, 5 बेलपत्र इस लाल वस्त्र में रखकर घर के मध्य भाग में पूरे घर का केंद्र बिंदु मिला लो, पूरे घर का नाभि कोण मिला लो, पूरे घर का नाभि स्थल मध्य स्थल मिलाकर वहां पटे पर रखकर कुंकू चावल से पूजन कर उस पर 3 बार पानी को फेर कर भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंदिर में बिना बोले जो रख कर आ जाता है, उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, सुख और शांति ये दोनों प्रवेश। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारे चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिनको शुगर की बीमारी हो, बीपी हो, उनसे निवेदन करूंगा, गणेश जी का दांत जो टूटा हुआ है, उस टूटे हुए दांत के भाग की ओर 5 दुर्वा सफेद, सफेद दुर्वा, पानी का जो जलाशय होता है, कुआं होता है, बावड़ी होती है, तालाब होता है, नदी होती है, वहां लगती है सफेद, 5 सफेद दुर्वा टूटे हुए दांत की ओर समर्पित कर दें। अष्टमी तिथि दुर्वाष्टमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे वही दुर्वा 5 मिनट बाद उठा लें और उस दुर्वा को एक एक दिन में सुबह खाली पेट एक एक दुर्वा को खा लें। महाराज आपका शुगर और बीपी लेवल में मिलेगा, आपके पास में जांच की मशीनों का अवश्य। जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, और अष्टमी तिथि राधाष्टमी भी है दुर्वाष्टमी भी है, दुर्वाष्टमी जिस दिन भगवान ने गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा कथा। मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर गुड़ की बट्टी 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का अधिक बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर जो अभी आ रही है बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी, तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।